दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की धरती में एक से बढ़कर एक शानदार क्रिकेटरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने बेहतरीन खेल से विश्व क्रिकेट के पटल पर अपने देश के साथ साथ खुद की भी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम उन्हीं महान दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों में से एक की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया शॉन पोलक के नाम से जानती है, जिनके ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत दक्षिण अफ्रीका लगातार बुलंदियों की शिखर को छूने में कामयाब रहा। तो चलिए आज बात करते हैं इस महान सितारे की जिंदगी के बारे में। शॉन पोलक का जन्म 16 जुलाई 1973 को साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम शॉन मैकलिन पोलक है। लोग उन्हें प्यार से पॉली के निकनेम से भी बुलाते हैं। शॉन के पिता पीटर पोलक भी साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और उनके अंकल ग्रिम पोलक भी एक शानदार क्रिकेटर थे। शॉन जब थोड़े बड़े हुए तब उनके पिता ने शॉन का एडमिशन डरबन के नॉर्थ वुड हाई स्कूल में करा दिया। क्योंकि घर में शुरू से ही क्रिकेट का माहौल था, इस वजह से शॉन का रुझान भी जल्द ही क्रिकेट की तरफ ही हो गया। बचपन में उनके पिता और उनके अंकल ही शॉन को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिया करते थे। इस वजह से हाई स्कूल तक आते आते शॉन एक बेहतरीन क्रिकेटर बन चुके थे। शुरुआत में शॉन अपनी बल्लेबाजी को लेकर सीरियस नहीं थे, वो तो केवल एक बेहतरीन तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। लेकिन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान जब उन्हें इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला, तब उन्हें एहसास हुआ कि गेंदबाजी के साथ साथ अगर थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी की जाए तो मैच जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में भी मेहनत करना शुरू कर दिया था। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद साल 1992 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली टीम नटाल की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनको दक्षिण अफ्रीका की नेशनल टीम की तरफ से भी बुलावा आ गया। उन्हें साल 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए टीम में भी जगह दी गई। इस तरह उन्होंने 16 नवंबर 1995 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। अपने पहले ही टेस्ट में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और अपने सिलेक्शन के फैसले को भी सही ठहराया। उन्होंने इस पूरे टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। आखिरी टेस्ट मैच में तो उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दूसरी पारी में 5 विकेट भी चटकाए। उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट 10 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम की। इसी दौरान शॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नटाल से कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद साल 1996 की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही एक दिवसीय क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में तो शॉन ने उम्मीद से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले तो उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाते हुए 66 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को मुसीबत से निकालकर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजी में कहर बरपाते हुए 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़कर रख दी। शॉन के इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत साउथ अफ्रीका इस करीबी मुकाबले को 6 रन से जीतने में कामयाब रहा। शॉन को उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इसी साल 1996 में उन्हें इंग्लैंड की वार्विकशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए भी साइन कर लिया गया। इसी दौरान उन्होंने वार्विकशायर की तरफ से लेस्टर शायर के खिलाफ एक लिमिटेड ओवर की मैच में खेलते हुए अपने पहले ही ओवर के 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर वो सुर्खियों में आ गए थे। वो साल 1996 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी थे, जहां उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद वो आगे के मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने लगे। इसी क्रम में साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट उखाड़कर एक बार फिर चर्चा में आ गए। अपने इस शानदार प्रदर्शन को उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में भी बरकरार रखा। इसी साल सितंबर में कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर दक्षिण अफ्रीका के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मैच में 19 रन देकर 4 विकेट अपने खाते में डाले।
इतना ही नहीं, वो इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। साल 1999 तक आते आते सॉम की गिनती विश्व के टॉप अनुभवी और बेहतरीन तेज गेंदबाजों में होने लगी थी। साल 1999 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले को लोग आज भी लांस क्रूजनर की बेहतरीन बल्लेबाजी और एलन डोनाल्ड की रनआउट के कारण याद रखते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ही ये याद होगा कि उस मुकाबले में शॉन ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया था। लेकिन ये साउथ अफ्रीका का दुर्भाग्य ही था कि हर फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद साउथ अफ्रीका फाइनल का सफर तय करने में कामयाब न हो सकी। इसी साल के अंत में ICC द्वारा जारी किए गए टेस्ट और ODI रैंकिंग गेंदबाजों की सूची में शॉन नंबर 1 पर थे। इसके बाद तो शॉन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को और भी ऊंचा करते चले गए। इसी दौरान वो साल 2000 की शुरुआत में खेली गई एक ट्राइंगुलर ODI सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इसी सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 149 रनों के बहुत ही कम स्कोर का बचाव करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को उन्होंने अपने अनुभव और बेहतरीन गेंदबाजी का शानदार मिश्रण करते हुए 9 ओवर्स में केवल 20 रन देकर इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर ये सीरीज अपने नाम की। अपने इस शानदार प्रदर्शन के लिए शॉन को एक बार फिर मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इसी साल मार्च में उन्हें साउथ अफ्रीकन टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। कप्तानी की बागडोर मिलने के बाद शॉन अपनी गेंदबाजी में और भी पैनापन ले आए और एलन डोनाल्ड के साथ अपनी एक पेस अटैक की जोड़ी भी बनाई। आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी ने बल्लेबाजों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। उनके और एलन डोनाल्ड की मौजूदगी में अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी का स्तर काफी ऊंचा हो गया था। उनकी कप्तानी में ही मखाया एंटीनी जैसे मैच विनिंग गेंदबाज उभर कर दुनिया के सामने आए। इतना ही नहीं, इस दौरान वो अपने बल्लेबाजी से भी टीम की जीत में अपना योगदान देने लगे। इसी सिलसिले में उन्होंने साल 2001 में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 111 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर ही वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था। सबको उम्मीद थी कि शॉन इस वर्ल्ड कप में अपनी लीडरशिप में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उम्मीद के विपरीत शॉन इस वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख सके। वो गेंदबाजी के साथ साथ कप्तानी में भी फिसड्डी साबित हुए। इसके अलावा उनकी टीम के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में सुपर सिक्स तक भी नहीं पहुंच पाई। वर्ल्ड कप में किए गए शर्मनाक प्रदर्शन से निराश होकर आखिरकार शॉन ने टीम की कप्तानी छोड़ दी। कप्तानी के दबाव से मुक्त होने के बाद शॉन ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने अक्टूबर 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेकर फॉर्म में वापसी की। इसी साल के अंत में उन्हें क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। हालांकि वो इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में तो लगातार विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद वो विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। साल 2006 के ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया, जहां उन्होंने अपने बल्ले और गेंद से उपयोगी योगदान दिया, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए ज्यादा विकेट तो नहीं लिए, लेकिन एक छोर से काफी कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके कारण दूसरे छोर से मखाया एंटीनी और दूसरे गेंदबाजों को विकेट मिलते रहे। इसके बाद वो साल 2007 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप की तरह ही इस बार भी उनका प्रदर्शन औसत ही रहा। साल 2007 में ही एशिया 11 और अफ्रीका 11 के बीच खेले गए एक मैच में उन्होंने 130 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जो उनका एकदिवसीय क्रिकेट में पहला और एकलौता शतक भी है। अंत में बढ़ती उम्र और खराब फॉर्म ने उन्हें अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार साल 2008 में साउथ अफ्रीका टीम की तेज गेंदबाजी की बागडोर डेल स्टेन जैसे उभरते हुए महान तेज गेंदबाज के हाथों में सौंपकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। शॉन पोलक
उन गेंदबाजों में से एक थे जो रफ्तार से ज्यादा अपनी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे। इस वजह से उनकी तुलना अक्सर ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज रहे ग्लेन मैकग्रा के साथ होती रही है। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 108 टेस्ट मैचों में 23.11 की औसत से 421 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 87 रन देकर 7 विकेट है। वहीं 303 एकदिवसीय मैचों में 24.50 की औसत से 393 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 32 रन देकर 6 विकेट है। इसके अलावा उन्होंने 12 T20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 20.60 की औसत से 15 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 28 रन देकर 3 विकेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए टेस्ट मैचों में 2 शतकों और 16 अर्धशतकों की मदद से 3781 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 111 रन है। वहीं एक दिवसीय मैचों में भी उन्होंने बल्ले से ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए 1 शतक और 14 अर्धशतकों की मदद से 3519 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 130 रन है। चलिए अब एक नजर डालते हैं शॉन पोलक के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वो टेस्ट क्रिकेट में 400 और एक दिवसीय क्रिकेट में 300 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाने वाले साउथ अफ्रीका के पहले गेंदबाज है। इतना ही नहीं, वो टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने के साथ साथ 300 विकेट लेने वाले वो विश्व के पहले और अब तक के एकलौते गेंदबाज भी है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी शॉन पोलक के ही नाम है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान वो ICC द्वारा जारी टॉप ODI बॉलर्स की रैंकिंग में 7 बार नंबर 1 पर रहे और ये कारनामा करने वाले भी वो विश्व के पहले और अब तक के एकलौते गेंदबाज है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रही पैट्रिका लोडरडेल से विवाह किया है। पैट्रिका पेशे से एक मॉडल है और फॉर्मर मिस साउथ अफ्रीका रनर अप भी रह चुकी है। शॉन को उनसे 2 बेटियां हैं, जिनका नाम जेम्मा और जॉर्जिया पोलक है। वो एक डिवोटेड क्रिश्चियन है और उन्हें ईश्वर में बहुत आस्था है। इसके अलावा शॉन को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी लत नहीं है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपने आप को हमेशा से ही विवादों से दूर रखने की कोशिश की। जहां अधिकतर तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को आउट करने के लिए उन्हें अपने तरीके से स्लेज करते हैं, उन्हें गलत शॉट खेलने के लिए उकसाते हैं, लेकिन शॉन हमेशा से ही इस तरह की हरकतों से दूर रहते थे और पूरी खेल भावना के साथ अपने गेम को खेलते थे। यही वजह है कि आज भी उनकी गिनती विश्व के कुछ चुनिंदा जेंटलमैन क्रिकेटरों में की जाती है। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो बतौर कमेंटेटर क्रिकेट के ही फील्ड से जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो हमें और भी दूसरे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी साउथ अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज रहे शॉन पोलक की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।